बीते माह देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सैलानियों ने हिमाचल की राह पकड़ी थी। वहीं हिमाचल में ही कुछ लोगों ने 6 महीने के लिए कई घरों को किराए पर ले लिया है। वहीं वे अपने ऑफिस व्यापार संबंधित कामों को पूरा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम हिल्स के नाम पर कुछ ट्रेवल एजेंट लोगों को निजी घरों में भी ठहरा रहे हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप ठाकुर का कहना है कि वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ कुल्लू के पर्यटन स्थलों पर तो उमड़ रही है, लेकिन होटलों में ऑक्यूपेंसी अभी भी 50% ही है। ऐसे में सैलानियों की भीड़ कहां ठहर रही है, इसके बारे में भी जिला प्रशासन को जानकारी लेनी चाहिए। अनूप ठाकुर का कहना है कि देखने में ये आया है कि कुछ ट्रेवल एजेंट बाहरी राज्यों से ही सैलानियों को वर्क फ्रॉम होम के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे एजेंट सैलानियों को ना तो किसी होटल में ठहरा रहे हैं और ना ही किसी पंजीकृत गेस्ट हाउस या होम स्टे में। ट्रेवल एजेंट जिला के ग्रामीण इलाकों में कुछ घरों को किराए पर ले रहे हैं और वहां पर सैलानियों को ठहरा रहे हैं। ऐसे में सैलानियों की सुरक्षा भी खतरे में नजर आ रही है। अनूप ठाकुर का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के सैलानियों के आने से कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना भी बनी हुई है और इससे सरकार के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। अनूप ठाकुर ने जिला प्रशासन से मांग रखी है कि इस तरह के काम करने वाले ट्रेवल एजेंट पर नजर रखें और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। उनका कहना है कि सैलानियों का कुल्लू मनाली आने पर स्वागत है, लेकिन वे सरकार के द्वारा पंजीकृत होटलों या अन्य पर्यटन इकाइयों में ही ठहरे, ताकि पर्यटकों की सुरक्षा व कोविड-19 का पालन भी हो सके। इसमें एक मेरी सरकार से गुजारिश ये है कि जो टूरिस्ट जितने यहाँ आते हैं आ रहे हैं, जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके मुकाबले में जो होटल्स हमारे चल रहे हैं और उनमें इतनी जो ऑक्यूपेंसी का रेट नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनमें कुछ एक टाउट्स ऐसे हैं यहाँ बैठे हुए बाहर से आके, सो कॉल्ड वो अपने आप को ट्रेवल एजेंट बोलते हैं, उन्होंने एक शोषा निकाल रखा है वर्क फ्रॉम हिल्स, तो उन्होंने कुछ प्राइवेट अकोमोडेशन भी किराए पर ले रखी है और जिसमें वो ऑनलाइन बुकिंग करके बाहर के लोगों को उन प्राइवेट अकोमोडेशन में ठहरा रहे हैं। उसकी हमें कोई इतराज़ नहीं है कि रूरल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन उसका भी सिस्टम बना हुआ है, वो बाकायदा रजिस्टर करें और उसको ठीक ढंग से चलाएं। इसमें सिर्फ होटल वालों का ही नुकसान नहीं है कि इसमें नुकसान गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि वो टैक्स नहीं देंगे, टैक्स निवेजन होगा। नंबर दो सबसे बड़ा नुकसान मुझे जो लगता है कि जो टूरिस्ट ऐसे अनऑथोराइज एकोमोडेशन में रुक रहे हैं, गांव में जाकर रुक रहे हैं, तो उनको ना वो SOP फॉलो करेंगे, ना ही उनके पास में कोई प्रोटोकॉल होगा, तो वो वहाँ संक्रमण को बढ़ावा दे सकते हैं कोविड-19 के संक्रमण को। इसलिए इसके ऊपर मैं चेक रखना बहुत। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।